हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। अब देखिए, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है थ्योरी पार्ट पर, ठीक है। इसके बाद में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। वी विल डील विद दोस क्वेश्चंस इन अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो वो सारा सब कुछ हम एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसी के साथ में हमारा जो थ्योरी पार्ट है इस वीडियो के साथ में वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि हमने अभी तक जितने भी वीडियोस में डिस्कस किया इस चैप्टर को, तो हमने क्या पढ़ा? क्राइम पढ़ा, एट्रोसिटीज पढ़ी, ज्यूस किस तरह से सफर कर रहे थे जर्मनी में, हिटलर ने कैसे पावर में आए, ये सारा सब कुछ पूरी कहानी पढ़ी हमने। अभी हमें आज हम ये कहानी अगर सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो कैसे? ठीक है, तो दिखती बात है, आप बोलोगे सर हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो हम आज से 1000 साल पुरानी भी पढ़ लेते हैं, तो ये तो अभी रिसेंट फिनोमिना है, ठीक है, 70-80 साल हुए हैं, तो ये तो हमारे पास रिकॉर्ड्स रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड रहेंगे, लेकिन आप इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि ज्यूस के साथ में सच में इतनी एट्रोसिटीज हुई थी? तो ये जो एट्रोसिटीज हुई थी, ये जो परेशानी ज्यूस कम्युनिटी ने फेस की थी, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड है, ठीक है, और वो रिकॉर्ड ही होलोकॉस्ट है। होलोकॉस्ट कुछ नहीं है, बेसिकली जिस लेवल पे अत्याचार हुए थे ज्यूस के साथ में, उन अत्याचारों का एक रिकॉर्ड है। मतलब जितनी भी परेशानियां, जो भी सफरिंग्स थी, उन सारी चीजों को क्या करके रखा है? प्रिजर्व करके रखा है, ताकि क्या कर सके, आने वाली जनरेशन देख सके, समझ सके कि कितना अन्याय हुआ था उस समय पे। वो सारा सब कुछ होलोकॉस्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर आया व्हाट इज होलोकॉस्ट, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ जीनोसाइड, जीनोसाइड मतलब क्या है? जीनोसाइड मतलब होता है जनसंहार, मतलब लार्ज स्केल पे जब लोगों को मारा जाता है तो वो होता है जीनोसाइड। तो रिकॉर्ड ऑफ द जीनोसाइड ऑफ ज्यूस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जो जीनोसाइड हुआ था, उस जीनोसाइड का रिकॉर्ड जो है वो हमें होलोकॉस्ट से पता चलता है। होलोकॉस्ट के थ्रू हमें पता लगता है कि कितना अत्याचार हुआ था। क्लियर। अब देखिए क्या है, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस, इस चीज को ध्यान रखना आप कि यहां पे क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस केम आउट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। अब आपके मन में भी इसी तरह से सवाल आया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्यों पता चली कहानी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, या फिर कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जो टाइम पीरियड था, वहां पे भी अत्याचार हो रहे थे, एट्रोसिटीज कंडक्ट की जा रही थी ज्यूस के ऊपर, लेकिन तब सब कुछ कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में? नाजी पार्टी के, हिटलर के। तो वो कुछ भी इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं जाने देते थे, ठीक है। लेकिन देखो आज तो क्या है, आज इंटरनेट है आपके पास में, ठीक है, आज आपके पास में कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी होता है कैसे भी आप लोगों तक पहुंच सकते हो, लेकिन पहले इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो इंफॉर्मेशन पहले क्या थी, जो भी हो रहा है, जो भी सब कुछ, जितनी भी एट्रोसिटीज होती थी, सब कुछ कहां तक रिस्ट्रिक्टेड था? सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड था सिर्फ और सिर्फ ज्यूस तक, जर्मनी तक, ठीक है। और हिटलर ने चाहकर भी मतलब उन चीजों को बाहर नहीं जाने दिया। ज्यूस वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग दे हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस, ठीक है। और जब इस तरह से क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन हमें अधिकतर वर्ल्ड वॉर टू के बाद में मिली, लेकिन जो ज्यूस कम्युनिटी उस समय पर इन सारी चीजों को सफर कर रही थी, तो कम्युनिटी चाहती थी कि सारी इंफॉर्मेशन जो है, जितना भी उन्होंने जो भी मतलब कह सकते, देखो ये जो स्टेटमेंट लिखा ना, सफरिंग दे हैड एंड्योर्ड, मतलब जितनी भी सफरिंग्स को उन्होंने सफर किया था, वो चाहते थे कि सारी सफरिंग क्या हो, वर्ल्ड तक पहुंचे, लोगों को जान, लोग जाने इस बारे में। क्यों सोचते होंगे, अब आप भी ऐसे ही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों चाहते थे कि सारी सफरिंग्स जो है वो लोगों को पता चले, ताकि ज्यूस ये बताना चाहते थे ठीक है हमने जो सफर किया वो किया, लेकिन वॉर के बाद में क्या हो, कम से कम लोगों को पता तो रहे कि हमने कितने अत्याचारों को सहन किया है, ठीक है, क्या क्या गलत हमने सहन किया है। और इस तरह से मतलब वो मैनकाइंड को बताना चाहते थे कि हमने जो सफर किया शायद वो कोई और कम्युनिटी ना कर पाए। और जैसे आपकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है कि एक जो ज्यूस सिटीजन थे, तो वो क्या बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे मैं बस, मुझे ज्यादा नहीं जीना है, मुझे वॉर खत्म होने के आधे घंटे तक और जीना है बस। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर लेंगे आधे घंटे में, तो प्रोबेबली शायद वो ये बताना चाह रहे हो कि जब वॉर खत्म हो जाएगी हम आजाद हो जाएंगे, और आधे घंटे का अगर मेरे पास टाइम पीरियड रहा तो आधे घंटे में मैं सारी एट्रोसिटीज बता दूंगा जो हमने सफर किए। तो लोगों के अंदर क्या था, एक तरह से मतलब इन सारी चीजों से हम क्या समझ सकते हैं, देयरफॉर एन इनडोमिटेबल स्पिरिट टू बियर विटनेस, ठीक है, मतलब गवाह बनने की एक स्पिरिट थी किसके अंदर, ज्यूस कम्युनिटी के लोगों के अंदर। वो ये बताना चाह रहे थे कि हिटलर ने हमारे साथ में कितना अत्याचार किया है, ठीक है, देयरफॉर एन इनडोमिटेबल स्पिरिट टू बियर विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जो अत्याचार हो रहे हैं उन सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखना डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। कैन बी सीन अमंग मैनी ज्यूस एंड वेन द वॉर सीम टू लॉस्ट नाजी लीडर्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय ऑल एविडेंसेस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, इस स्टेटमेंट का मैं मतलब समझाता हूं। ज्यूस कम्युनिटी के लोग चाहते थे कि वो लोगों को बताएं कि उनके साथ में क्या गलत हुआ,
क्लियर। अब जब वो ये चाहते थे कि वो लोगों को बताएं, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से पूरे प्रयास किए, ठीक है। एक स्पिरिट, इनडोमिटेबल स्पिरिट, मतलब क्या है कि एक ऐसी स्पिरिट देखने को मिल रही थी, एक ऐसा जोश देखने को मिल रहा था उनके अंदर कि आप परेशान कर लो, मार लो, पीट लो, लेकिन हम लोगों को बता के रहेंगे, दुनिया को बता के रहेंगे। तो उन्होंने क्या करके रखा है कि उनकी जितनी भी सफरिंग्स थी उन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, कैसे वो डॉक्यूमेंट्स भी क्या थे, तो डॉक्यूमेंट्स जैसे यहां पे दिए, डॉक्यूमेंट्स जैसे कह सकते हैं कि रिकॉर्ड सच एज डायरीज, नोटबुक्स, आर्चिव्स, तो इन सारी चीजों के फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करा, सारी सफरिंग्स को लिख के रखा, प्रिजर्व करके रखा, इस आशा में कि कल को जब सिचुएशन सुधरेगी तो लोगों को हमारी परेशानी के बारे में पता चलेगा। और जब जो एंड व्हेन द वॉर सीम टू लॉस्ट, ठीक है, जब ऐसा लग रहा था कि हाँ लड़ाई खत्म होने वाली है और नाजी लीडर्स जो है वो हार जाएंगे, ठीक है, तो नाजी लीडर्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय द एविडेंसेस, मतलब जितने भी एविडेंसेस थे, जो भी गवाह था उसे क्या करा, नाजी लीडर्स ने आपस में पेट्रोल बंटवा दिया अपने फंक्शनरीज को, मतलब जो भी उनके सपोर्टर्स थे उनसे बोल दिया कि पेट्रोल ले जाओ सब, और जो जो भी डिस्क्रिमिनेटरी हमने, मतलब जितना भी डिस्क्रिमिनेशन किया, जितना भी मारपीट किए, सारे रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करके सबको जला दो। क्यों? क्योंकि नाजी लीडर्स भी सोच रहे थे वॉर के बाद में अगर ये रिकॉर्ड्स हाथ लग गए जो जीतने वाली कंट्रीज होंगी या फिर कह सकते हैं न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा गलत हुआ था, तो वहां पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तो जला दिया गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अपना जो कचरा फैलाया था उस कचरे को समेटने की कोशिश भी करी नाजी लीडर्स ने, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारा होलोकॉस्ट हमारे पास बचा हुआ रह गया, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि कितनी ज्यादा सफरिंग्स को फेस किया उस समय पे ज्यूस कम्युनिटी ने। जैसे कुछ एविडेंसेस यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको एक मैसेज क्लियर हो जाएगा कि डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूस फ्रॉम जर्मनी, दिस इज वन ऑफ द बोट्स यूज्ड फॉर द पर्पस, मतलब ये जैसे बोट को प्रिजर्व करके रखा कि इस बोट के थ्रू क्या किया गया, डेनमार्क ने सीक्रेटली कुछ ज्यूस को वहां से, मतलब डेनमार्क को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि ज्यूस के साथ अन्याय हो रहा, तो कुछ ज्यूस को बचा लिया, ठीक है। अब जैसे ये कैन जो है, मिल्क कैन है, ठीक है, आज भी आप देखते हैं इस तरह की मिल्क कैन, तो ये क्या है, इनहैबिटेंट्स ऑफ द वॉर्सो गेटो, ठीक है, वॉर्सो कहां पे, पोलैंड में है, तो वॉर्सो गेटो के जो इनहैबिटेंट्स थे कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड प्लेस देम इन 3 मिल्क कैंस अलॉन्ग विथ अदर कंटेनर्स, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने कहां डाल दिया, मिल्क कैन के अंदर डाल दिया, डब्बे के अंदर, डब्बा बंद करके इस तरह से, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि वो उन डॉक्यूमेंट्स को, शायद ये मिल्क कैन को कोई ढूंढे ना, और बाद में जब हाथ लगेंगे ये मिल्क कैन और न्यूट्रल एजेंसीज आएंगी, जर्मनी हार जाएगा, मतलब नाजीज जब हार जाएंगे तो उसके बाद शायद लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। एज डिस्ट्रक्शन सीम्ड इमिनेंट दिस कंटेनर्स वर बरीड इन द सेलर्स ऑफ बिल्डिंग इन 1943, दिस कैन वर डिस्कवर्ड इन 1950s, तो मतलब अब जैसे पता लगा नाजी लीडर्स को और ज्यूस को भी कि कुछ नहीं हो सकता, तो उस तरह से क्या किया गया, कैंस वगैरह को भी दबा दिया गया ताकि इंफॉर्मेशन लीक ना हो। आया समझ, तो इस तरह से क्या किया जा रहा था, लोगों ने, ज्यूस ने पूरी कोशिश करी किस चीज़ की, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखने की, बचाए रखने की, और नाजीज ने पूरी कोशिश करी उन्हें खत्म करने की, फिर भी उस बीच में स्ट्रगल में हमें जो मिल गया, जो बच गया, उसके थ्रू पता लगता है कि कितना क्राइम हुआ होगा, कितनी एट्रोसिटीज हुई होगी। फिर उसके बाद में आपने ये जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ठीक है, एन फ्रैंक की जो डायरी है, तो इसमें आपने इंग्लिश लिटरेचर में, अधिकतर इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने छोटी क्लासेस में कहीं पढ़ा होगा कि एन फ्रैंक ने उस टाइम पे एक, मतलब एक सफरर थी, 15 साल की लड़की, जिन्होंने अपनी डायरी में सारा लिखा कि वो क्या क्या चीज़ों को सफ़र कर रही थी, ठीक है, इन्होंने शरण ली थी एक, मतलब किसी एक नेटिव ने उन्हें छुपा के रखा था, अब ये बॉम्ब्स वगैरह जब ड्रॉप किए जाते थे तो आवाज़ें सुनती थी, वो सारी चीज़ें लिखी उन्होंने, सफ़र किया क्या क्या, ठीक है, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, फिर बाद में वो डायरी किसी और को मिलती है, वो डायरी में से फिर क्या बुक लिखी जाती है, तो इस तरह से ये उनकी सफरिंग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, बाद में फिर इस पर प्ले भी बनता है एक, तो उस तरह से कहानी इवॉल्व होती है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू मैंने आपको क्या बताया कि कैसे रिकॉर्ड्स वगैरह को यूज़ किया गया था, किस तरह से जो नॉलेज था होलोकॉस्ट का वो लोगों तक पहुंचाया गया, ठीक है, जहां पे ज्यूज ने ज़्यादा इच्छा जाहिर की कि नहीं पता चलना चाहिए आखिर हो क्या रहा है, क्लियर। अब अगर हम लास्ट में स्टेटमेंट को समझें कि क्या है, इस चैप्टर को यहाँ पे हम समअप करेंगे और इस स्टेटमेंट के साथ में, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, इसे समझिएगा, ठीक है, देखो क्या है, मेमोरी ऑफ द होलोकॉस्ट आर ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड, ठीक है, जो होलोकॉस्ट की जो मेमोरी है, होलोकॉस्ट से जो हमें जानने को मिलता है, जो सफरिंग्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है, दिस मेमोरीज आर ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड, मतलब जिन लोगों ने आवाज उठाई थी, रजिस्ट किया था, जिन लोगों ने सफर किया था, इट इज ट्रिब्यूट टू देम, ठीक है, समझना इस चीज को, ट्रिब्यूट है उन लोगों के, जिन लोगों ने क्या कर दिया, अपने आपको बलिदान दे दिया अपना, एन एम्बेरसिंग रिमाइंडर टू, समझिए, एन एम्बेरसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड,
और अब यही सारी जानकारी आज हमें पता है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों के लिए एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिन लोगों ने कोलैबोरेट किया था, जिन लोगों ने अन्याय किया था। मतलब जैसे दिखती बात है ना, किसी ने चोरी की तो आप क्या करोगे, उसका वो इंसिडेंस उसे बार बार याद दिलाओगे ताकि उसे समझ में आए कि उसने गलत किया है, एम्बेरेस हो वो, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे होता है कि ये होलोकॉस्ट के थ्रू हमें जो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड से हम बताते हैं कि आपने गलत किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या एन एम्बेरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड। और ये तीसरा स्टेटमेंट समझिए, ये क्या बोलता है, एंड ए वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस। और जिन लोगों ने चुपचाप क्या किया, सारा सब कुछ अन्याय होने दिया, उन लोगों के लिए एक तरह से वार्निंग है। वार्निंग कैसे है कि ये रिमाइंडर्स जो है, जो होलोकॉस्ट के रिमाइंडर्स हैं, जो ये बताते हैं कि जिस प्रकार से एट्रोसिटीज परफॉर्म की गई थी जर्मनी में, और जो लोग चुप रहे हैं उन्हें ये याद दिलाया जाता है इन सारी मेमोरीज के थ्रू कि अगर आगे कुछ ऐसा होता और आप चुप रहते हो तो फिर से ऐसे एविडेंसेस और निकल के आएंगे। आए समझ में, समअप करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ में, हमारा चैप्टर थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट पे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारे लिए एक सक्सेस है। अब इसी के साथ में क्या होगा कि लास्ट वीडियो, जब हम एक और लास्ट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। चैप्टर कौन सा है हमारा, क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नाजीजम एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।